हेलो फ्रेंड, आज हम गोंदिया बालाघाट सिवनी हाईवे का अपडेट लेकर आए हैं। जैसे कि आपको बता दें कि गोंदिया बालाघाट सिवनी हाईवे का काम शुरू हो चुका है। इस क्षेत्र में पेड़ों का कटाई का काम पूरा कर लिया गया, साथ ही इस क्षेत्र में अर्थवर्क का काम भी किया जा रहा है। बालाघाट गोंदिया हाईवे में अलग अलग सेक्शन पर काम चल रहा है, जहाँ पर रावणवाड़ी से आगे काम गति पकड़ चुका है, जहाँ पर कई हाईवे कंस्ट्रक्शन का काम में तेजी आई है। इस हाईवे में छोटा राजेगांव और चंगेरा में बाईपास बनाया जा रहा है। इस हाईवे को एक्सप्रेसवे के तर्ज पे बनाया जा रहा है, जिसमें कई बाईपास भी बनाया जा रहा है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। सतोना गांव की बात करें तो यहां पर भी हाईवे का काम बहुत तेजी के साथ चल रहा है, जहां पर छोटे पुल का निर्माण किया जा चुका है, साथ ही यहां पर बेस का निर्माण भी तेजी के साथ चल रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ब्रिज के लिए यहां पर कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, जहां पर पिलर बनाने का काम अभी शुरू हो चुका है। यहाँ पर एक बड़ा ब्रिज भी बनाया जा रहा है, जो कि बाघ नदी पर बनाया जा रहा है, जो कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को जोड़ता है। आप देख सकते हैं कि बाघ नदी पर अभी पिलर बनाने का काम शुरू है। इस ब्रिज के निर्माण के लिए अलग अलग सेक्शन पर काम तेजी के साथ चल रहा है। यहाँ पर एक और ब्रिज है, जो कि आप देख सकते हैं, इसी के जस्ट बगल पर एक और ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, जो इसी के समांतर रहेगी। इसी ब्रिज के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि रजे गांव में इसी नदी के बगल से बाइक पास बनाया जा रहा है, जो कि ये आप देख सकते हैं, जिसका निर्माण भी अभी तेजी के साथ चल रहा है। यह बाईपास सीधा टोल प्लाजा को कनेक्ट करेगा, जहां पर हाईवे की चौड़ाई 8 लेन तक होने वाली है। जहां इस हाईवे में अर्थवर्क का काम तो चल ही रहा है, साथ ही इस हाईवे में नाली बनाने का काम भी शुरू हो चुका है, जो कि आप देख सकते हैं। साथ ही रजे गांव के आगे घिसर्री नदी में भी एक और ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, जिसका काम भी अभी चल रहा है, जिसमें साइट में गर्डर बनाने का काम, साथ ही मशीन द्वारा गहराई करने का काम भी चल रहा है, जिसमें यहाँ पर पिलर के लिए बेस बनाया जाएगा। जिस गति से इस हाईवे का निर्माण चल रहा है, उस हिसाब से इस हाईवे का निर्माण अगले 2 से 3 साल में पूरा कर लिया जाएगा। सिवनी बालाघाट और गोंदिया हाईवे इसलिए भी खास होने वाला है, क्योंकि इस हाईवे में रायपुर को भी जोड़ा जाएगा, जो कि रजे गांव में कनेक्ट होगा। वैसे भी यह 6 लेन हाईवे होने वाला है, जिसमें कई और हाईवे को कनेक्ट किया जाना है। इस हाईवे को इतना चौड़ा किया जा रहा है कि यहां पर कई घरों को तोड़ दिया गया है। बालाघाट गोंदिया हाईवे में बालाघाट से 9 किलोमीटर पहले खुरसोदी में एक बाईपास का निर्माण किया जा रहा है। यह हाईवे यहीं तक बनेगा, उसके बाद यह हाईवे पूरी तरीके से बाईपास हो जाएगा, जो कि बालाघाट के लिए एक रिंग रोड की तरह काम करेगा, जहां पर सिवनी को कनेक्ट किया जाएगा। साथ ही बालाघाट में भी ओवरब्रिज बनाने का काम चालू है, जहां पर रेलवे ब्रिज का काम भी तेजी के साथ चल रहा है, जहां पर आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि यहां पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेजी के साथ चल रहा है, जहां पर पिलर बनाने का काम भी किया जा चुका है। यह ब्रिज बहुत खास होने वाला है। एक तरफ यह गोंदिया से आने वाले हाईवे को कनेक्ट करेगा, दूसरी तरफ यह बाईपास को कनेक्ट करेगा, और तीसरी तरफ यह बस स्टैंड को कनेक्ट करेगा, जो कि रेलवे का ओवरब्रिज होने वाला है।